बहुत पहले गैस की टंकी लाना बहुत मुश्किल काम था, मतलब एक तो टंकी 2 महीने में आती थी, 21 दिन पहले बुक करानी पड़ती थी, और वो भी घर पे नहीं आती थी, लेने जाना पड़ता था, और उसके लिए छुट्टी लेनी पड़ती थी। सही। और छुट्टी लेने में भी अकेले में काम नहीं चलता था, एक जने को पीछे बैठा के ले जाना पड़ता था खाली टंकी लेकर के, और खाली टंकी के पीछे चादर लपेट करके वहाँ लाइन में लगना पड़ता था। अच्छा, ब्लैक में मिलने वाली टंकी की जो रेट है वो बहुत हाई थी, टंकी की रेट तो 320 से लेकर के 350 450 तक यहाँ तक रही थी, लेकिन ब्लैक में वही टंकी 900 रुपए में मिलती थी, 800-900 रुपए, उसमें भी 3 किलो गैस कम देने का रिवाज था, और उसके सामने बोल नहीं सकते थे आप, टंकी को उठा के देखो तो गैस कम लग रही है, पर उसके सामने एक शब्द बोल के बताओ, बोल दो तो वो मुंह में घुटका रहता था उसके, ऐसे ही आएगी। बहुत खतरनाक काम था। अच्छा, टंकी लेने जाते हो चादर उधर लपेट करके, तो वहाँ टंकी को लाइन में लगाना पड़ता, लाइन लगती थी 50-60 फुट लंबी, और टंकियां सरकती जाती, अपना नंबर आता जाता। अच्छा, वो टंकी वाला मतलब इस तरह के भाव रखता था टंकी देते हुए भी, जब अपन लेने गए पैसे देके अपनी टंकी ले रहे, लेकिन उसमें ऐसे भाव थे जैसे दान दाता हो, बहुत बड़ा हो। उसमें डायरी में 1-1 रुपया छुट्टा रख के उसको देना पड़ता था, और वो यूं जैसे अपन बिल लेके टंकी लेने जाते थे, वो यूं ऐसी दर्दनाक दृष्टि से देखता था, नफरत की दृष्टि से, कि यार ये आदमी कहाँ से बिल ले आया है। मैं इसी टंकी को ब्लैक में बेच करके पैसे कमाता था, कि ये दुश्मन है, ये साला नीच आदमी जो बिल लेके आ गया। सही बात। वो ऐसा मतलब उसकी इच्छा तो होती थी कि अपने 2-4 थप्पड़ मार दे अपन टंकी मांगते ही, पर वह ठीक है, वो दे देता था। अच्छा, वो बोलता नहीं था क्योंकि अपन तो उसकी नजर में भिखारी, और वो दान दाता, तो उसको जैसे ही टंकी पैसे देते डायरी देते वो यूं करके इशारा करता, मतलब ट्रक में से टंकी उतार लो, फिर वहां से टंकी उतार करके लेके फिर, तो मतलब ये सारा गैस की टंकी प्राप्त करने का काम ऐसा था जैसे बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। और टंकी देखते ही घर वालों में खुशी की लहर छा जाती थी, टंकी आ गई, आज अपने घर की गैस से चाय बने।